भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया। मौसम उपग्रह इनसैट 3DS के लॉन्च की उल्टी गिनती शुक्रवार को ही शुरू हो गई थी। 16वें मिशन के तहत प्रक्षेपण यान GSLV F-14 की उड़ान आज शाम 5:35 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। इनसैट 3DS उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है और ये पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसरो ने कहा GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन 17 फरवरी 2024 को शाम को 5:35 बजे प्रक्षेपण के लिए 27.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। परफेक्ट लिफ्ट ऑफ GSLV F-14 इनसैट 3DS प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस नॉर्मल जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L-40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ। The four L-40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. तो आपको बता दें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया। 16वें मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। इस लॉन्चिंग में तीन बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। ये GSLV रॉकेट की 16वीं उड़ान है, स्वदेशी क्रायोस्टेज की 10वीं उड़ान है, ये स्वदेशी क्रायोस्टेज की 7वीं ऑपरेशनल फ्लाइट है। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य जमीन, समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देना होगा। इसके अलावा ये राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करेगा। भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से हुई है। ये लॉन्चिंग GSLV F-14 रॉकेट से हुई है। ये सैटेलाइट 170 किलोमीटर पेरिजी और 36,647 किलोमीटर एपोजी वाली अंडकार GTO कक्षा में चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट का कुल वजन 2,274 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की फंडिंग है। इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजर होंगे, 9 चैनल साउंडर मीटरोलॉजी पेलोड्स मौजूद हैं। वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए ये सैटेलाइट राहत एवं बचाव कार्य में भी मदद करेगा। इसके साथ ही इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य जमीन, समंदर, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देना है। क्रायो अपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है GSLV F-14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए। द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथक्करण होगा। स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ जी हां, इग्निशन कमांडेड। कई संख्या में लोग ये लॉन्चिंग देखने के लिए वहां मौजूद है और चीयर भी कर रहे हैं। क्रायो स्टेज I'm sorry, इसके साथ ही ये सैटेलाइट 170 किलोमीटर पेरिजी और 36,647 किलोमीटर एपोजी वाली अंडकार GTO कक्षा में चक्कर लगाएगी। इस सैटेलाइट का कुल वजन 2,274 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने फंडिंग भी की है। अध्ययन करते हुए इसरो ने फिर रचा इतिहास। मौसम की सटीक जानकारी देने वाली सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। टेलीमेट्री द्वारा डेटा में कट ऑफ, सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड। क्रायो चरण को बंद कर दिया गया है, सुनियोजित ढंग से यह किया जा रहा है।
यह पूर्व निर्धारित है। थ्री डी एस सैटेलाइट सेपरेटेड GSLV F-14 INSAT 3DS mission accomplished. And we have a successful mission of GSLV F-14 INSAT 3DS. Hearty congratulations to Team ISRO and users from the Ministry of Earth Sciences. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. The spacecraft has been injected into a very good orbit. The injection conditions were as expected, and we also noted that the vehicle has performed very, very well. And congratulations to everybody who has been part of this mission, the team that built the INSAT 3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers, and also the launch vehicle teams who built the GSLV F-14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. And INSAT 3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing INSAT series, which is there in orbit, INSAT 3D and INSAT 3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the information related to the weather and the climate. And also it gives a lot of data in terms of the data collection platform as well as disaster distress satellite terminal related operations as well. So let me congratulate the team who built the payloads, the satellite, and also the launch vehicle for this excellent mission this year.